हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल ट्रेडिंग। आज हमने ट्रेडिंग किया है। आज एक्सपायरी डे था एंड एक्सपायरी डे के साथ बहुत बोरिंग डे भी था, बहुत साइडवेज था मार्केट आज। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट है आज का। सो ये एंजल ब्रोकिंग का ऐप है, ये मैंने वॉचलिस्ट ओपन की है। चलते हैं पोजीशन में, ये पोजीशन है ठीक है। तो आज एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है 6885। सो सारे ट्रेड्स मेरे बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस में है ठीक है। तो आज एक्सपायरी होने के कारण मैंने ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग किया था। तो चलिए देखते हैं। सो आज तो मैंने मोस्टली स्कैल्पिंग किया, बिकॉज़ उसका रीज़न था कि जो मार्केट था वो बहुत साइडवेज था, एक चैनल में चल रहा था ओके। उसके बाद आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम कम रहते हैं, सो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग किया। तो छोटे छोटे मूव मैंने कैप्चर किए। तो पहला जो ट्रेड है वो 5 लॉट निफ्टी का लिया था ठीक है। तो उसमें सिर्फ 2 पॉइंट का गेन हुआ, वो निकाल दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी सारे ट्रेड पुट ऑप्शंस में थे ठीक है। तो मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ, ये मेरे ऑर्डर्स है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखो बैंक निफ्टी को मैंने बाय किया था 5 लॉट 200 पे और 205 पे निकाल दिया। ये करने के लिए एक्सपायरी के डे पे मतलब आपको बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत क्विक होना चाहिए एंड आपका एनालिसिस भी करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ ये सपोज़ रॉन्ग गया, आपका जो व्यू है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपके सिस्टम में क्विकनेस होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। सो ये क्विक ट्रेड्स किए थे मैंने आज। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो फिर से मैंने निफ्टी का 5 लॉट लिया, 54 पे 56 पे लिया। टाइमिंग मतलब मैक्सिमम 1-2 मिनट का रहेगा ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी के 10 लॉट्स ले लिए 95 पे ठीक है। ये देखो 95 पे 10 लॉट्स अराउंड 1:30 बजे लिया था ठीक है। देन मैंने क्या किया, ये 10 लॉट्स मैंने निकाल दिए इमीजिएटली 5 पॉइंट्स के गेन पे। देखिए इसका टाइम, ये देखो मैक्सिमम 2 मिनट्स ओके। सो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड था। उसके बाद मैंने क्या किया, 40 लॉट्स ले लिया। तो यहाँ पे मेरा एक व्यू था कि मुझे स्काल्प करना है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी मिलता है वो लेना है, निकलना है। इस केस में मेरे को मेरा स्टॉप लॉस 100% डिफाइन था, इसलिए मैंने ये क्वांटिटी बहुत ली थी। और आज इतना होलाटाइल रहता है एक्सपायरी के दिन, तो आपको 2-3 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं, इसी हिसाब से मैंने लिया था ठीक है। लेकिन आपको ये करने के लिए एग्जैक्ट एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन मोर, देन वंस अगेन बैंक निफ्टी के 40 लॉट। यहाँ पे देखो 12 पे लिया, 14 पे बेचा। ये मोमेंट कैप्चर करने के लिए आपको बहुत फास्ट बहुत एग्जैक्ट होना पड़ेगा ओके। अदरवाइज इफ़ रॉन्ग गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये करने के लिए प्रैक्टिस लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये मत करो, पहले प्रैक्टिस करो 1 लॉट पे 2 लॉट पे। उसके बाद बैंक निफ्टी का एक सिंपल मैंने शॉर्ट किया था, पुट ऑप्शन 85 पे किया, 80 पे निकाल दिया ठीक है। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। तो ये पूरा मिला के छोटा 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 ट्रेड 6000 तो मिल ही जाएगा सब ब्रोकरेज कट करके। मेरा फंड्स था डे स्टार्टिंग पे 32,000 ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है
ठीक है, ज़्यादा मैंने गड़बड़ नहीं की, पेशेंटली वेट किया। मार्केट बहुत साइडवेज था, मतलब बार बार लग रहा था ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने स्कॉल करने का सोचा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी मिलता है ले लो, निकल जाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट